मजा आया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो दो दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक ट्रेंडिंग स्टोरी के ऊपर है जो इंस्टाग्राम पे फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, ठीक है। और ये जो फुल स्टोरी है हम लोग क्रिएट करेंगे पिक्सार्ट ऐप पर। पिक्सार्ट ऐप आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्सार्ट ऐप को ओपन करना है। नीचे जो दिखाई दे रहा है प्लस, इस पर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एडिटेड फोटो पे क्लिक करना है, और जिस फोटो को आप लोग मतलब फ्रंट पे रखना चाहते हो ना, उस फोटो का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूँ, ये वाला फोटो, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, नीचे दिखाई दे रहा है रिमूव बीजी, रिमूव बीजी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपका जो बैकग्राउंड है वो आप लोग रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लोग ये इमेज सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सेव कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा मेक ए कॉलेज। सिंपल से आपको यहाँ पे मेक ए कॉलेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे 9 फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट। सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा रेशियो। रेशियो पर क्लिक करना है, राइट स्वाइप करना है, आपको स्टोरी वाला मोड ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, स्टोरी वाला, ठीक है। उसके बाद लेआउट पर क्लिक करना है, और आपको ये वाला लेआउट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर पर क्लिक करना है, और इसका जो थिकनेस है पूरा जीरो कर देना है। ऊपर राइट साइड पर आपको एरो दिखाई देगा, ये व्हाइट वाला एरो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे दिखाई देगा एफएक्स एफएक्स, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाई देगा ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि BMW। सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इमेज इसको सेव कर लेना है। सेव करने के ऊपर फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग इमेज सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है, डिस्कार्ड पर क्लिक करके सिंपल से ऐसे बैक आ जाना है, ठीक है। ये इमेज आपको सेव कर लेना है, ऐसे बैक आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, ऐसे बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिटेड फोटो पर क्लिक करना है। एडिटेड फोटो पर क्लिक करने के बाद जो अभी आपने फोटो को सेव किया ना, उस फोटो को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला इमेज होगा, इस इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट स्वाइप करना, आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद जो बैकग्राउंड रिमूव किया ना इमेज, उस इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा ऐड वन, ऐड वन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट स्वाइप करना है, आपको दिखाई देगा बॉर्डर, बॉर्डर पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे बॉर्डर का जो साइज है, अमाउंट है, इसको आपको यहाँ पे 20 जैसा कर लेना, ठीक है। ज़्यादा मत करना और कम भी मत करना, 20-25 के अंदर रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है आप लोग सिंपल से रख सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला कलर ऐड करता हूँ। उसके बाद इसको सिंपल से इस तरीके से मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर हो गया, और इस इमेज को मैं पूरा नीचे नहीं रखूँगा क्योंकि शेडो ऐड करूँगा तो ये पूरा नीचे चलाया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन पर आपको ये व्हाइट पेन मिल जाएगा, इसको सिंपल से ऐड कर लेना है। ऐड वन पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसको आपको इस तरीके से व्हील स्कैन कर लेना है, हो गया, देख सकते हो। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद नीचे दिखाई देगा टैक्स, सिंपल से टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ऊपर जो राइट है, राइट पर क्लिक करना है, और कलर पे जाना है, आपको यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है। फॉन्ट पे जाके आप लोग इस तरीके से एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग फॉन्ट पसंद करते हो सिंपल से, यहाँ पे फॉन्ट का कोई कंपलसरी नहीं, आप लोग सिंपल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना, और जो कोट होगा ना हैप्पी बर्थडे वाला कोट, आपको गूगल पर बहुत सारा मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना, और इसका साइज कम करना, नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना, कलर पर जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट करना, इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेना, और कलर ब्लैक ही रखना क्योंकि व्हाइट पेंज में ब्लैक अच्छा लगता है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से टैक्स पर क्लिक करना। देखो यहाँ पे हमारा इमेज, मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा इमेज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सेव कर सकते हो, ऊपर से ये डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इस इमेज को सेव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे और एक वो दिखा दूँ हैप्पी बर्थडे लिखने का, ठीक है। आप लोग वहाँ पर भी लिख सकते हो, टैक्स पर क्लिक करना है और लिखना है हैप्पी बर्थडे, राइट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद रोटेट करके आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो,
ठीक है, ऊपर इस जगह पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके और आप लोग ये इमेज को देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा सेफ्टी और कलर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ट्रेंडिंग स्टोरी, आप लोग इंस्टाग्राम का जो ट्रेंडिंग स्टोरी चल रहा है ना, इसको आप लोग क्रिएट कर सकते हो पिक्सआर्ट की मदद से। तो ये इमेज कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।